अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। मेरे अकब में आप देख रहे हैं 2020 मॉडल। ये गाड़ी जापान में 2020 में लॉन्च हुई और 21 के मिड में ये पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई। डाई हार्टसो की थर्ड जनरेशन टाफ्ट इस गाड़ी का नाम है। इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं कि आप जब इस गाड़ी को खरीदेंगे तो यूं लगेगा जैसे आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली। इस गाड़ी को आपने कैसा पाया? बेसिकली ये 660 सीसी की जो गाड़ी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को इस कार ने बिल्कुल चेंज कर दिया हुआ है। वैसे तो ये 850 टाफ्ट की थर्ड जनरेशन है। इससे पहले जो दो जनरेशन आई हैं वो 1984 से 1994 तक आई थी। वो थी थ्री डोर जीप की कन्वर्जन। ये बेसिकली नई लुक में उन्होंने कन्वर्जन दी है इसकी 660 के अंदर। डेढ़ सौ टाफ की अगर हम साइड लुक पे हैं तो इसकी लेंथ जो है वो 3395 mm है, इसकी जो विर्थ है 1475 mm है और इसकी जो हाइट है 1630 mm है। फ्रंट लुक बड़ी खूबसूरत है, इसमें LED लाइट्स दी हुई हैं इन्होंने, इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, बड़े खूबसूरत फोग लैम्प्स इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। बोनट के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत किस्म की क्रोम ग्रिल जो है वो इंस्टॉल की है, जिससे गाड़ी के लुक जो है बहुत खूबसूरत आ जाती है। इसमें रडार दिया हुआ है, इसमें लेन असिस्ट दिया हुआ है कंपास के साथ। इन्होंने जो ओवर फेंडर जो है वो बड़े प्यारे इसमें इंस्टॉल की है। अलॉय रिम दिया गया हुआ है 15 इंचेस का, जो कि ओरिजिनल 850 कंपनी का है। पिछला ओवर फेंडर जो है वो काफी ह्यूज दिया है इन्होंने। फ्यूल टैंक जो है वो इसमें इन्होंने पुश दिया है, जिस तरह की हर कोई लेटेस्ट कार में आजकल आ रहा है। साइड डोर्स के जो हैंडल्स हैं वो भी इन्होंने क्रोम में दिए हैं, जो कि एक बड़ी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें बैक सीट की, तो बैक सीट में इन्होंने बड़ा प्यारा एक फ़ीचर दिया है, जिसको इन्होंने प्लास्टिक में फिनिश किया है कि आपने कोई भी जो चीज़ है उसको अगर लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ करना है तो ये पूरी जो इसकी बैक वाला रूम है प्लास्टिक में फिनिश की है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट इंजन LA 900 है, और उसके साथ साथ इसमें जो गियर ट्रांसमिशन है वो लेटेस्ट CVT है। इसका एक स्पेशल फीचर जो इसके अंदर मैं आपको बता चलूँ, जो कि हम पहले भी जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे थे गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में जो कंप्यूटर सिस्टम थे, चोरी होना बड़ा ईजी हो गया था, लेकिन इसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम भी किया है कि इसका जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी जगह पर लोकेटेड किए उन्होंने कि वहाँ से चोरी करना जो है वो काफी मुश्किल है। स्टेयरिंग इन्होंने दिया है, ये लेदर स्टेयरिंग इन्होंने इसमें लॉन्च की है, जिसमें मिड में एयरबैग है और इनका 850 का मोनोग्राम है। लेफ्ट साइड पे आपके मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं और आपके सारे ऑप्शनल कंट्रोल्स आ जाते हैं। डिजिटल मीटर के ऊपर आपको सारी रीडिंग्स वगैरह दे रहा होता है, आपकी ट्रिप दे रहा होता है, आपकी माइलेज दे रहा होता है, और एनालॉग के ऊपर जो है आपका स्पीडोमीटर है। इसके जो सारे रूम के कॉस्मेटिक्स हैं वो सारे कॉस्मेटिक्स जो है वो बड़ी गाड़ी वाले क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया हुआ है। इसमें हीटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट एंड राइट बोथ का। ओरिजिनल कंपनी फिटेड कैमरा दिया गया हुआ है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। AC ग्रिल्स हैं इसके ऊपर आपका, डिफरेंट एक यूनिक कलर के साथ उन्होंने इसकी फिनिशिंग की हुई है। ये इसके वेरिएंट G में आती है। क्रोम डोर हैंडल्स दिए हैं इन्होंने इनसाइड आउटसाइड दोनों में। मेन वजह थी इस गाड़ी को मंगवाने की वो इसके अंदर जो इन्होंने मून रूफ की एडिशन की है वो एक बड़ी खूबसूरत एडिशन की है। बेसिकली ये इंस्पायर्ड है आपके लेटेस्ट डिफेंडर से। गाड़ी की जो ड्राइव है वो बिल्कुल भी किसी भी 660 के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता। इस गाड़ी को जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है बेहतर पाया है। इन सिटी में मैंने इसको तकरीबन अभी तक जो है 18-22 के मिड में मैंने इसको पाया है। 21-22 की एवरेज मैंने इससे ली है। इन सिटी लॉन्ग पे अगर आप इसको डालेंगे तो ये बिल्कुल 25 तक जाएगी। इसके अगर हम आ जाते हैं मेंटेनेंस पे, और इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस जो है इसकी वो बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है किसी गाड़ी की तरह। जिस तरह नॉर्मली गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, फिल्टर्स चेंज होते हैं, वही इसकी भी मेंटेनेंस है और वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी बात रहती है पार्ट्स की, तो पार्ट्स ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये अभी लेटेस्ट चीज़ एक लॉन्च हुई है 2020 में, जापान में लॉन्च हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स का इसका प्रॉब्लम होगा। इसके प्राइस क्या है? 2.5 मिलियन के दरमियान में ये गाड़ी जो है वो कॉस्ट करती है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ये गाड़ी ज़रूर ख़रीदें, और इसके जो फीचर्स हैं उसके साथ आप इंजॉय करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।